मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है, अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, तू अपना नजरिया बदल, कई रास्ते नजर आएगा। और जो कहते थे कि गरीब के टैलेंट से कुछ नहीं होगा, उन्हें कहां पता था कि कोई मोबाइल से वीडियो बना के अपना नाम कमाएगा। मेरे दोस्त, हुनर कईयों के पास था, किसी को मंच मिला और किसी ने अपना मंच खुद ही बनाया। अमित बनाना भूम भैम करी मीनाटी जैसे लोग प्रमाण है इस बात का। और आज जो लोग यूट्यूब को बुरा भला कहते हैं, यूट्यूबरों को गाली देते हैं कि यूट्यूबर बन के कुछ नहीं उखाड़ सकता, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वीडियो बना के तू पैसे नहीं कमा सकता, उनसे एक बात कहना कि आज से 20 साल पहले या किसी ने नहीं सोचा था कि कोई घर में 10,000 की मोबाइल से वीडियो बना के महीने का लाखों रुपए कमाएगा। 10,000 की मोबाइल से वीडियो बना के कोई महीने का लाखों रुपए कमाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज कई लोग, करोड़ों लोग प्रमाण है आपके सामने जो ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा कि दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं, पैसे कमाने के तरीके भी बदल गए हैं, बस तू अपना सोच को बदल, क्योंकि यह जमाना जमींदारों का नहीं है, हुनरबाजों का है। आपके पास जमीन भले ही ना हो, अगर आपके पास हुनर है तो कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। आशीष संचलानी, जिसे स्कूल में कभी कोई रोल नहीं दिया गया, कभी कोई मंच नहीं दिया गया, उस बंदे ने अपना साम्राज्य खुद बनाया है। 26 मिलियन के सब्सक्राइबर वाला मंच वो खुद बनाया है। भूम बहन, जिसके वीडियो को देख के उसी के दोस्त कहते थे कि ये पागल है, बेवकूफ है, आज वही लोग ढिढोरा जैसे सीरीज को देख के तारीफ करते हैं। आज पास बैठ जाए भूम बहन तो उसी के साथ सेल्फी लेके टैग करना चाहते हैं। अपने हुनर पे मेहनत कर मेरे दोस्त, अपने हुनर पे मेहनत कर। जो कल स्टूडियो में बैठ के गाना गा के पैसे कमाता था, आज वही लोग घर में बैठ के अपना खुद स्टूडियो बना के यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। जो कॉमेडी कभी कोई टीवियों पे किया करता था, आज लोग अपनी मोबाइल से वीडियो बना के यूट्यूब से नामो शोहरत कमा रहे हैं कॉमेडी करके। अगर आपके पास हुनर है, अपने आप को घिसना आता है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि पेड़ काटने के लिए ताकत से ज्यादा कुल्हाड़ी में धार की जरूरत है। और YouTube पे सक्सेस होने के लिए किस चीज की जरूरत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत वाणी निकला हो तो माफी चाहूंगा। अगर चैनल पर नए हो, एक सब्सक्राइब चाहूंगा और वीडियो को लाइक भी चाहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।